तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है। इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर वन टीम है। अभी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ही नहीं आई तो 400 रन मुकम्मल करनी है उन्होंने। जा सकते हैं और आज विराट कोहली आए, पहले ओवर के अंदर ही उनको स्लिप पे कैच निकलता है, लेकिन वहां पे स्लिप नहीं होती तो उनको विकेट नहीं मिलती, लेकिन अपने अगले ओवर के अंदर ही मेन उनका जो कैप्टन है एडवर्ड्स बड़ी विकेट लेके जाते हैं। कौन? विराट कोहली। तो विराट नो के नो मैच जीता भारत। भारत ने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया, रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 410 रन बना डाले इंडिया ने और कमाल है स्कोर कार्ड देखिए आप, मतलब शुभमन गिल 51, रोहित शर्मा 61, राहुल 102, अय्यर 128 और इवन विराट कोहली ने भी आज एक बार बनाई, कमाल, मतलब क्या बात है। मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुंचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता। कोहली ने बॉलिंग नहीं कराई, ये देखिए बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप जडेजा, कोहली, गिल, सूर्या कुमार और रोहित, 9 बॉलर थे। ऐसा इंडिया की तारीख में 11 साल के बाद हुआ है कि जब इतने लोगों ने बॉलिंग कराई हो। विराट कोहली ने भी आज 3 ओवर्स कराए और 7.5 साल बाद विराट कोहली ने भी एक विकेट ले डाली। हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पर, और बॉलिंग में तो अब सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली, मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी पहले। कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। मैं 47th ओवर में जो चौथा और पांचवा बॉल था जी, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा। ग्रेट प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि बारी उसकी लेट आ रही है। जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुंचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता। अच्छा विवेक, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की आजकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए, तो क्रिकेट पे 40 गेंदों पर 50 रन किए थे केएल राहुल ने, लेकिन 62 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, इनके अगले 50 22 गेंदों के ऊपर से मुकम्मल की है, क्या इनिंग के लिए। इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर वन टीम है। अभी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ही नहीं आई तो 400 रन मुकम्मल कर लिए उन्होंने। जैसे भाई कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। मैं 47th ओवर में जो चौथा और पांचवा बॉल था, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा। ग्रेट प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि बारी उसकी लेट आ रही है। जिस तरह का वो प्लेयर है, बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है, जिस तरह की इनिंग खेली उसने 62 बॉल पे 100 किया है। और मेरा मकसद है कि ऊपर से खेलना आसान है, लेकिन जिस तरह ये नीचे से आके जिस तरह इसने क्रिकेट खेली है, हैट्स ऑफ है। और इस तरह की क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, सिर्फ एक ने, महज सारे ने 50 किया है, सबने 50 किया, और 3 ने 50 किया, सबने 50 और सबका स्ट्राइक रेट देखे बहुत हाई है। कोहली का 92 है, बाकी सबका हाई है। अपना शुभमन गिल तो 159 है, 116 का केएल उसका, रोहित का 150 से ऊपर का, केएल राहुल का 136 का, इसका अय्यर का है। तो कमाल स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, इसीलिए तो आपकी जबरदस्त ये क्रिकेट आजकल यही चल रही है ना, इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। और ये मुश्किल नहीं, उन्होंने सबने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कोई ऐसा नहीं आंखें बंद करके घुमा रहे हैं, ऐसी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली, प्रॉपर क्रिकेट खेली, इसीलिए देखिए क्रिकेट उनके ऊपर गई है। उन्होंने प्रॉपर लोगों को फॉलो किया है शुरू से लेके अभी तक। एंड वो कहते हैं ना, कमेंट यूसुफ आपने बात की, लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी। यूसुफ ने एक बात की कि बहुत नीचे आ रहे हैं केएल राहुल डाउन द ऑर्डर। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया से खेलना शुरू किया था तो केएल राहुल को तशबीह दी जाती थी आलू की, कि आप किसी भी सब्जी के साथ आलू मिला के पका सकते हैं, आप किसी गोश्त के साथ आलू मिला के पका सकते हैं। तो केएल राहुल वो मिक्स थे जो फ्लोटर थे, जो कहीं भी खेल लेते थे, चौथे पे खिला दो, ओपन करा दो, डाउन द ऑर्डर छठे पे खिला दो, ही वाज फाइन विद इट। तो एक अच्छा खिलाड़ी क्या वो ये कंप्लेंट्स कभी कर सकता है कि मुझे चौथे पे ही खेलना है या मैं पांचवे पे खेलूंगा तो मैं अच्छा नहीं खेलूंगा? देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहे तो वो भी, अब जाहिर बात है एक्सक्यूज ढूंढने की तो कहीं पे भी आप वो कर सकते हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है और आपने एक बड़ी टीम में जगह बनानी है तो फिर तो जहां आपको मौका मिले आपने परफॉर्म करना होता है। लेकिन इसमें कोचेस को भी क्रेडिट देना चाहिए इस जगह इस बात का कि वो ओपन भी रहा है और ऊपर परफॉर्मेंस हुई भी है, फिर नहीं भी हुई, लेकिन उनको ये पता था कि यार ये लड़का है प्लेयर है ये, या बन सकता है ये प्लेयर, उनको उसको ऑल द वे सपोर्ट किया है उनकी ना परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद भी। लेकिन आज देख लें कि वो उस पर प्लेयर को सपोर्ट मिला है, तो आज देखें किसी भी नंबर पे वो जगह मिली है उसको, उसने अपॉर्चुनिटी भी अवेल की और उसने परफॉर्मेंसेज भी दे रहे, जो कॉन्फिडेंस कोचेस की तरफ से था वो करके भी दिखाया। उसको पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए, हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए, तो ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता।
आपसे चीज जाना चाहूंगा, हमने कल भी कड़ी काफी डिटेल में पाकिस्तान के हवाले से बेंच स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे, अब देखिए हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर वन प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नोकिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे लीथल बॉलर था वो, जाता है तो कोर्ट से आ जाता है। तो ये दुनिया के जो जब अपने स्क्वाड बनाती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता, इसको कैसे देखते हैं? देखें ये काम किया हुआ है और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खासतौर पर, और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी, पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं, लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं मगर वो खेलते ही नहीं है, लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुआ। बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए उनको बुला दिया, सचिन तेंदुलकर आए उनको बुला दिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेंज चल रही है और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आजाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं, और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा आधा घंटा खेलते हैं सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमारी क्लब जो सिस्टम है वो कोलैप्स पे है या स्कूल क्रिकेट में अब तो घरों में स्कूल खुल गए तो हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। नो के नो मैच जीता भारत, भारत ने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया, रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो रिकॉर्ड जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आई थिंक अब्दुल्ला भाई इंडिया सारे के सारे मैचेस में सामने वाली टीम को ऑल आउट करके गया है, मेरा नहीं ख्याल थी कोई ऐसी टीम होगी जिसने 50 ओवर इनके अगेंस्ट पूरे खेले बगैर 10 विकेट के नुकसान पे, हर बंदा आउट हुआ है। आज तो पूरी इंडियन टीम ने बॉलिंग करा दिया सर, रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो रिकॉर्ड जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आई थिंक अब्दुल्ला भाई इंडिया सारे के सारे मैचेस में सामने वाली टीम को ऑल आउट करके गया है, मेरा नहीं ख्याल थी कोई ऐसी टीम होगी जिसने 50 ओवर इनके अगेंस्ट पूरे खेले बगैर 10 विकेट के नुकसान पे, हर बंदा आउट हुआ है। आज तो पूरी इंडियन टीम ने बॉलिंग करा दिया सर, कोहली बॉलिंग कर रहा है, रोहित शर्मा ने विकेट ले लिया, गिल ने बॉलिंग की।